गोदी मीडिया चलाती रही कि मोदी जी आएंगे फिजा बदलेंगे, वो मोदी जी खुद भाग गए। मोदी जी के केंद्रीय मंत्री जाते हैं और वहाँ रोमानिया के एक मेयर ने उनको वैसी लताड़ लगाई कि आपने एक गिलास पानी तक नहीं दिया इन बच्चों को जो आपके देश के नागरिक हैं। तो यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अरे यहाँ हार का डर है इसलिए भाग रहे हैं, रिपोर्ट है एजेंसियों की इस वजह से ये डर के मारे भागे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि यूक्रेन आज जाके सुलझा लेंगे। मोदी जी 27 तारीख को भी आए थे और कहा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को 2000 लोगों को बैठाने की बात हो रही थी, 2000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। अब आप इस बात को बताइए कि नमक क्या मोदी जी के अपने घर से आया है? 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी 0 पे है, बनारस की स्थिति 8 में 8 सीटें इनके थीं, 3 कैबिनेट मंत्री बनाए थे, 3 के 3 नकारे निकले। विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं, विश्वनाथ जी के अगल बगल आपने तोड़ दिया, कितने मंदिर तोड़ दिए। तो जय श्री राम कहते हैं, तो जय श्री राम हम की भी कहते हैं, हम कहते हैं जय श्री राम बीजेपी ने नहीं किया कोई काम। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, फ्लाइट में बोला था भारत माता की जय और बच्चों ने कहा जय, लेकिन जैसे ही कहा कि भारत माता मोदी जी की जय, एक भी बच्चा बोला नहीं। मोदी को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मोदी ने झूठ बोला है। यही होगी, मंत्र नहीं पढ़ पाते देख के। आप हमको सनातन की शिक्षा देंगे? योगी कहते हैं हनुमान जी दलित थे, किस लिए? वोट के लिए। अमित शाह, राम जी ने भरत को भेज दिया रावण के पास ज्ञान लेने। अरे पप्लू दास, थोड़ा सा रामचरितमानस ही पढ़ लिए हो। तरफ आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों पे चढ़ा देते हैं, आप उनको ढूंढ नहीं पाते हो। दूसरी तरफ जो छात्र अंदर बैठ के पढ़ रहा है, अपनी तैयारी के लिए आया है कहीं दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं प्रभात बनारस में पहुंचा हुआ हूं। बनारस में मतदान है 7 तारीख को, 7 मार्च को, और 10 तारीख को उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले बनारस में क्या कुछ माहौल है और इसके साथ हमसे बात करने के लिए यहाँ बनारस में समाज सेवी वैभव त्रिपाठी जी हैं। आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो चुनाव है, चुनाव किन मुद्दों पर इस बार हो रहा है और क्या कुछ माहौल है अभी का, इस बारे में बताएं बनारस। माहौल कहें तो माहौल बदलाव का है। इस कदर बदलाव का माहौल है कि जनता अब सोच रही है कि किसी तरह इनसे पिंड छुड़ाया जाए, और जनता ये भी बताने को तैयार नहीं है कि हम किसके साथ। लेकिन अंदर खाने जनता ये कह रही है कि जब 200 रुपये सरसों का तेल होता है और सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा चल कर रहे हैं, तो सरकार अपने अहंकार में है। तो सरकार का अहंकार तोड़ना है। चर्चाएं ऐसी हैं कि जब कुछ चंद उपचुनाव की सीटें हारती है भाजपा तो पेट्रोल 5 रुपये लीटर सस्ता हो जाता है, तो जब यूपी हारेगी तो कितना सस्ता होगा। स्थिति ये है कि बनारस जो पिछले चुनाव में बीजेपी 8 की 8 सीटें जीती थी, इस चुनाव में उसमें 3 से गृह इनके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, 3 के 3 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी का पहले प्लान बनाया 3 दिन का, 3 से 5 रहेंगे मोदी जी। गोदी मीडिया चलाती रही कि मोदी जी आएंगे फिजा बदलेंगे, और मोदी जी खुद भाग गए। मोदी जी कल चले गए, मतलब क्या है? मतलब ये है कि मोदी जी को भी समझ आ गया है कि हम हार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं मैं हार भी जाऊं और मेरी मट्टी पलीत हो जाए, इस वजह से मोदी जी पहले चले गए। नहीं, ये कह रहे हैं मोदी जी तो बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं, यूक्रेन का मसला देख रहे हैं, रसिया यूक्रेन का जो चल रहा है उसके लिए यहाँ रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए बहुत हास्यास्पद है। मोदी जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। पूरे विश्व में जितने भी देश के नागरिक यूक्रेन में थे, उन्होंने 1.5-2 महीने पहले निकाल लिए अपने लोगों को। भारत के 27,000 बच्चे, 1,500 बच्चे आए हैं, बाकी बच्चों का क्या? मोदी जी के केंद्रीय मंत्री जाते हैं और वहाँ रोमानिया के एक मेयर ने उनको वैसी लताड़ लगाई कि आपने एक गिलास पानी तक नहीं दिया इन बच्चों को जो आपके देश के नागरिक हैं। तो मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। पूरा विश्व जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइसिस है उसके
बारे में सोच रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, पूरे यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरे यहाँ हार का डर है इसलिए भाग रहे हैं, रिपोर्ट है एजेंसियों की, इस वजह से ये डर के मारे भागे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यूक्रेन आज जाके सुलझा लेंगे। अरे एक महीने से क्या कर रहे थे, एक महीने से आप विपक्षियों को आतंकवादी बता रहे थे, अब आपको समझ आया कि अरे यार मैं तो हार ही रहा हूँ। तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी ये लड़ाई इसलिए लड़ रही है कि हम एक ठीक ठाक सी सीट पा जाए। बीजेपी को पता है, मोदी जी को पता है कि हम चुनाव हार चुके हैं। लेकिन क्या कारण है फिर उसके बाद भी यहाँ पे जनसभा अभी कल रोड शो हुआ प्रॉपर, और उसके पहले जो है यहाँ पर आकर के बनारस में बैठे मोदी जी, सब नौटंकी हो रही है गुरु। मोदी जी 27 तारीख को भी आए थे और कहा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को 2000 लोगों को बैठाने की बात हो रही थी, 2000 लोग इकट्ठे नहीं हुए और मोदी जी भाषण कर रहे थे, लोग उठ उठ जा रहे थे। आपको नहीं समझ आ रहा है कि जो लोग कमिटेड कार्यकर्ता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, मोदी को नहीं सुनना चाह रहे हैं। क्यों? मोदी के प्रति जो एक लहर बनी, एक माहौल जो बना, वो गरीब तबका था, उसने मोदी की बातों पर भरोसा किया और मोदी ने उनके साथ धोखा किया। मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये हो गया। मोदी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, 200 रुपये सीमेंट की बोरी आज 400 रुपये हो गई। मोदी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, खाद की बोरी 400 की 1500 हो गई। तो मोदी ने एक सपना दिखाया, लोगों ने भरोसा किया और मोदी ने सीधे सीधे पीठ में छुरा भोंक दिया। मोदी की कारस्तानी है, नहीं तो $30 तक कच्चा तेल चले गया था। क्या मोदी अगर चाहते तो पेट्रोल का दाम नीचे नहीं जाता। मोदी चुपचाप मौन है कि ठीक है जनता से जितना वसूलना है वसूल लो। देखिए एक बात बताएं, बंच ऑफ थॉट लिखा था संघ के गोलवलकर ने, गोलवलकर ने उसमें लिखा था कि जिस देश पे शासन करना हो उसकी सारी आधारभूत व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दो, जब आप उसको ध्वस्त कर देंगे तो जनता मजबूर होके आपके पीछे घूमेगी। और वही हो रहा है, जनता को इस कदर लूटा है इस सरकार ने कि नमक चावल तेल तक देने की नौबत आ गई। अगर आपने विकास किया होता तो आपको गली गली भटकना नहीं पड़ता, अड़ी पे प्रधानमंत्री को नहीं बैठना पड़ता। प्रधानमंत्री मर्यादित पद है और मोदी ने उस मर्यादा को तोड़ा है। लेकिन आपने नमक की बात की तो नमक का जिक्र हो रहा है आजकल कि मोदी का जो नमक खाया है, ये अपने प्रधानमंत्री भाषण में जो यूज कर रहे हैं। वाह वाह, कितनी घटिया बिलो द बेल्ट बात है। अब आप इस बात को बताइए कि नमक क्या मोदी जी के अपने घर से आया है, मोदी जी की कमाई का है? अरे जनता का खून चूसा है तुमने। और चंद भाई ऐसा है, राशन तो 2 रुपये 1 रुपये किलो मिलता ही था, आपने 20 रुपये का राशन दिया और जो पर लीटर पे 30-40 रुपये आप लूट रहे हो डेली। एक सामान्य आदमी, जो गरीब आदमी है, वो सबसे ज़्यादा बाइक वगैरह से चलता है, उसका जो बजट था आपने 3 गुना बढ़ा दिया। एक किसान, उसकी जुताई 3 गुना बढ़ गई, खाद का मूल्य 3 गुना बढ़ गया, धान गेहूं का मूल्य बढ़ा गया, गन्ने पे चूंकि चुनाव सामने दिखा तो योगी ने गन्ने पे 25 रुपये बढ़ाया, 5 सालों में 25 रुपये। क्या पैसा पड़ा भैया, 5 रुपये पर साल, अब पर क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल पे 5 रुपये, 5 पैसे पर केजी बढ़ाया है मोदी ने, योगी ने। गन्ने का रेट योगी ने 5 पैसे पर केजी बढ़ाया है, उससे पूछ लो कि डीजल का रेट कितना बढ़ाया पर लीटर, शर्म नहीं आती? तुम मखौल उड़ाते हो किसान को, आप एक सम्मान निधि की बात करते हो, किसान का जो लागत थी वो 3 गुना हो गई और तुम झुंझुना देते हो, रेवड़ी बांटते हो। किसान तुम्हारे भीख के लिए नहीं खड़ा है, किसान को उसका अधिकार चाहिए। आपको किसानों गरीबों की बातों पे बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो आप तो अहंकार में हैं, इस सरकार को ये लगने लगा था अब शायद सुधर जाए, क्योंकि यूपी तो हाथ से गया, 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी 0 पे है, बनारस की स्थिति 8 में 8 सीटें इनके थीं,
तीन कैबिनेट मंत्री बनाए थे, तीन के तीन नकारे निकले और तीनों चुनाव ये हारने जा रहे हैं। आप आकलन कर लीजिए जनता। आप विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं, विश्वनाथ जी के अगल बगल आपने तोड़ दिया, कितने मंदिर तोड़ दिए आपने, कहा स्पेस बनाया, सकरा था, गलियां थी। अरे गलियां देखो ना, शिवपुरा बजट यहाँ की, खोजवा में चले जाइए जहाँ मंत्री रहते हैं, शिवपुरा में जहाँ आपका सिटिंग विधायक रहता है, वहाँ जाके गलियाँ देख लीजिए, सीवर ओवर फ्लो आए दिन होता रहता है। आप वो विकास नहीं कर पाए। आपका उत्तरी में तीन टर्म से विधायक है, दक्षिणी में आठ टर्म से बीजेपी का विधायक है, यहाँ पाँच टर्म से कैंट में विधायक है, नगर निगम में आप 40 वर्षों से हैं, सांसद दो टर्म से तीन टर्म से लगातार आपका है, बावजूद इसके आप कहते हैं कि नहीं हम काम नहीं कर पाए हैं। भाई ये तो जय श्री राम कहते हैं, तो जय श्री राम हम की भी कहते हैं, हम कहते हैं जय श्री राम, बीजेपी ने नहीं किया कोई काम। जनता इस बात को लेके इतना परेशान है कि यार खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। आपके नमक और राशन आपके घर से नहीं आया, नमक अगर मैंने अपनी जेब का आपको खिलाया तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा नमक खाया है आपने। जनता का खून चूसा, अपने लिए दो दो जहाज़ खरीद लिए, जितने में आपने अपने लिए दो जहाज़ खरीदे उतने में आपने एयर इंडिया भेज दी। अजीब आदमी है यार। जो भारत सरकार ने अब तक जो उपक्रम बनाए थे उसने आपने कौड़ियों के मोल बेचा है। भारत पेट्रोलियम आपको सालाना 18 से 20 हज़ार करोड़ देता है, आप उसमें डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? स्थिति यही है, गरीब जेब गरीब की कट गई है, सरकार अपने मस्त है, उसको लगता है कि नहीं जी हमारे पास मीडिया है, हमारे पास कॉरपोरेट है, हम पैसे से वोट खरीद लेंगे तो इस बार वोट नहीं बिकेंगे। यूक्रेन और रशिया में जिस तरीके मोदी जी के जयकारे लग रहे हैं फ्लाइट में मंत्री जी लगवा रहे हैं, तो उससे कुछ का असर नहीं पड़ेगा? फ्लाइट में आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, फ्लाइट में बोला था भारत माता की जय और बच्चों ने कहा जय, लेकिन जैसे ही कहा कि भारत माता मोदी जी की जय, एक भी बच्चा बोला नहीं। मोदी को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मोदी ने झूठ बोला है, छल किया है। जो मोदी अभी भाषण दे रहे थे एक दिन मैं देख रहा था कि हमारे देश के बच्चे जाते हैं और विदेशों में कम पैसे में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, हमारे वहाँ का रेवेन्यू जा। अरे आप ये बताओ, आप अपने आप से सवाल करो कि 7 वर्षों में कौन सा मेडिकल कॉलेज तुमने खोला है? एक खोला हो तो नाम बता दो। और आपकी शिक्षा नीति तो इतनी बुरी है कि शिक्षा नीति के चक्कर में गरीब आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। आपने हॉस्टल जहाँ 3,000 रुपये फीस था हॉस्टल का, आपने 1,00,000 कर दिया। आप पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा रहे हो बच्चों को? इसी योगी की पुलिस ने बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाते हैं या वहाँ के लोग यहाँ आके परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। ऐसा है कि मंत्री जी तो कुछ भी कहे, मंत्री जी ने कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं की, रोमानिया के मेयर ने टोक दिया, कहा सडप तुमने कुछ नहीं किया है, एक गिलास पानी तक तुमने नहीं दिया है, मुझे बताते हो? तो भारत की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी बेइज्जती कराई है मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्रियों ने, ये अपने आप में शर्म की बात है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि आपको हमने सिरमौर बनाया। भाजपा के वो प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा और ना कभी भविष्य में होगा। कभी भी किसी राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री जाते हैं, एक दो रैलियां उनकी होती हैं और वो बताते हैं कि हम ये हमारी पॉलिसी है और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, सो आप हमको वोट कीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, मोदी जी विपक्षियों को गाली दे रहे हैं और ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं, अभी भी विपक्ष के नेता हैं। तो घबराएं ना मोदी जी, आपको जल्दी ही, अभी योगी जी जा रहे हैं विपक्ष में, मोदी जी 24 में आप भी विपक्ष में ही बैठेंगे। जब आए कल तो यहाँ पे क्या माहौल है, चाय पीते हैं रोड पे खड़े होके? ये सब नौटंकियाँ हैं। देखिए चाय पीते हैं, कहते हैं ना कि अपने बच्चे बच्चे दूसरों के बच्चे जनसंख्या, तो ये भाजपा और संघ की पुरानी चाल रही। जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेता
सामान्य तौर से चलते रहते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं। हमारे नेता अगर मंदिर जाते हैं तो कह रहा नाटक कर दिया नाटक कर। अरे आप दिन रात उसी करते हो भाई। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के एक हमारे पूर्व सांसद हुआ करते थे पीछे, वो जब पहली बार संसद पहुँचे थे तो उन्होंने मत्था टेका था, तो यही जनसंघ के लोग थे और आरएसएस के लोग, कहा कि जाहिल है, अनपढ़ है, इसलिए इसको पता ही नहीं है कि मंदिर है या क्या है। ठीक, वही जब मोदी 2014 में जाते हैं और तो कहते हैं कि देख लिए कितना विशाल हृदय, तो ये सब फर्जी बातें, खोखली बातें। अपनी बातों को बहुत अच्छा कहना और दूसरे में आप चर्चा कीजिए ना। कांग्रेस ने एक बात खड़ी की है इस पूरे चुनाव को, जहां कुछ लोगों ने जाति पे धकेला है, कुछ लोगों ने धर्म पे धकेला है, कुछ लोगों ने 80-20 की बात करी है, कांग्रेस ने सबकी बात की है। कांग्रेस ने जो बात की है वो कहा है कि रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे। कांग्रेस ने सारे चुनाव को केंद्रित किया है मूल मुद्दों पे, ये कांग्रेस की अचीवमेंट है। बाकी लोग अपना लड़ रहे हैं जाति धर्म की लड़ाई। योगी जी ने एक बात कही थी, उसके बाद बोलती बंद हो गई शायद। मोदी जी ने एक बार मुझे लगता है महीने भर पहले बोली थी 80-20 की लड़ाई है। उनका तो निशाना कहीं और था लेकिन लग कहीं और गया। जनता ने ये बात कही कि हाँ बिल्कुल 80-20 की लड़ाई है, 80% गरीब किसान मजदूर युवा छात्र महिला की लड़ाई है और 20% अमीर कारपोरेट की लड़ाई है जिनको आप सुविधा देना चाहते हैं। अभी आज प्रियंका गांधी की भी रोड शो है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी आ रहे हैं, कल अखिलेश यादव की थी, इसके पहले मोदी, क्या लग रहा है ये विपक्ष जिस तरीके से यहाँ रैलियाँ कर रहा है रोड शो कर? देखिए ऐसा है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव में सभी अपना पक्ष रखते हैं, सब अपना करते हैं। तो मोदी कल करके गए हैं, अखिलेश करके गए हैं, आज प्रियंका करेंगी, तो ये सबका अपना काम है, सब अपना कर रहे हैं। लेकिन जनता जो सोच रही वो ये सोच रही है कि इस सरकार को तो उखाड़ी फेंकना है। जनता ने ठान लिया है कि सरकार को बदलना है। गरीब की पुकार बदलो सरकार, युवा की पुकार बदलो सरकार, सब ने यही कहा है कि इस सरकार को हटा दो क्योंकि ये इतने अकर्मण्य हैं, ये बातें ऐसी, इनको इतनी तमीज नहीं है कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, सनातन के बारे में कोई जानकारी है क्या? यही योगी मंत्र नहीं पढ़ पाते देख के, आप हमको सनातन की शिक्षा देंगे? योगी कहते हैं हनुमान जी दलित थे, किस लिए? वोट के लिए। अमित शाह राम जी ने भरत को भेज दिया रावण के पास ज्ञान लेने, अरे पप्लू दास थोड़ा सा रामचरितमानस ही पढ़ लिया होता तो जान जाते कि भरत जी कभी वनवास के लिए गए नहीं, साथ में लक्ष्मण जी थे। ये चीजों का तो बुलडोजर से खुश हो रहे हैं ना? नहीं, बुलडोजर जनता उन्हीं के ऊपर चढ़ा रही है चिंता। देखिए कहते हैं कभी लाठी मेरे हाथ कभी लाठी तेरे हाथ, ठीक है, तो अभी क्या है कि 5 साल इन्होंने जनता को खूब दौड़ाया है, अब मौका है जनता का, तो वो बुलडोजर और लाठियां जो है उन्हीं के ऊपर चढ़ रही हैं। इलाहाबाद में योगी की पुलिस थी, वीडियो नहीं देखा आपने, दरवाजे तोड़ तोड़ के छात्रों को पीटा गया है, वो छात्र क्या कर रहे थे? एक तरफ आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों पे चढ़ा देते हैं, आप उनको ढूंढ नहीं पाते हो, दूसरी तरफ जो छात्र अंदर बैठ के पढ़ रहा है अपनी तैयारी के लिए आया है कहीं दूर दराज से, आप उसको बेरहमी से पिटवाते हो। इसलिए पिटवाते हो क्योंकि चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, इनके बच्चे नहीं हैं, इनके परिवार नहीं है, ये निशंस लोग हैं, इनके अंदर मानवता नहीं है। तो इस मानवीय गुण का होना आवश्यक है। अगर सत्ता में चाणक्य ने कहा था कि जिस शासक का परिवार नहीं होगा वो नृशंस हो जाएगा, वो मानवीय मूल्यों को समझ नहीं पाएगा, परिवार की वेदना को समझ नहीं पाएगा, और ये सही साबित हो रहा है कि ये सब नहीं समझ पा रहे कि घर का खर्चा चलता कैसे है। 200 रुपये लीटर का सरसों का तेल, 200 रुपये किलो का अरहर की दाल, 400 रुपये का सिलेंडर जो 1000 हो गया, 1000 का सिलेंडर,
लोगों को जुगाड़ने में कितना मेहनत लग रही है, ऊपर से रोजगार नहीं है, धंधे ठप हैं, सबका व्यापार ठप हो गया है। इसीलिए तो कह रहे हैं ठप भइल सबकर व्यापार, बदल दो एनी सरकार। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।